Hello students, today we learn subject math chapter footprints. तो आज भी आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और इस फिगर के जैसे जो भी चीज़ें दिखती हैं आपको समझ में आता है कि एक चीज़ इसके जैसे दिखता है तो उसको लिखना है. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज राइट द नेम्स ऑफ द फिगर्स थिंग्स दैट लुक लाइक द फिगर्स. तो ये जो शेप में फिगर्स हैं तो इसके जैसे जो भी दिखते हैं उनको हमको लिखना है. So, हमको क्या दिखा यहाँ पर? सर्कल. दिस इज सर्कल. ओके, ये सर्कल है. सर्कल के जैसे क्या होता है हमारा, ये पेज नंबर 43 आप मैथ बुक पेज नंबर 43 में ये क्वेश्चन है. तो सर्कल के जैसे क्या दिखता है हमारा? प्लेन. ओके, तो फर्स्ट क्या हुआ? प्लेट रहता है ना, आपके घर में प्लेट रहता है, इसको क्या रहता है? सर्कल रहता है ना. देन ये है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. रेक्टेंगल और स्क्वायर इसके जैसे क्या लिखते हैं हमारा? इसके जैसे ब्लैक बोर्ड है ना, सो बी राइट हियर ब्लैक बोर्ड है ना. और ये क्या है? ट्राइंगल. आपको हमने एंगल पहले ही पढ़ा दिया सेल्स में. ट्राइंगल, ट्राइंगल जैसे क्या रहता है? हम क्या चीज खाते हैं? ट्राइंगल कैसे रहता है? समोसा. ओके, आप समोसा खाए ना, कैसे रहता है? ट्राइंगल रहता है. एंड दिस इज ओवल. सिंगल थिंग्स कौन सी चीज इसकी जैसी है? इसके जैसे है रहता है ए. क्या है ए? सो स्टूडेंट वी राइट हियर ए. नेक्स्ट है सेकंड, ये देखते हैं सर्कल क्या रहता है. सर्कल हमारा पॉइंट पॉइंट आप लोग देखे ना, सिक्के रखते होंगे. सो दिस इज सर्कल. सो वी राइट हियर पॉइंट. एंड ये इस तरह रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या हो सकता है हमारा? बुक. ये बुक है ना, ये हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर टाइप में है ना. सो वी राइट हियर बुक. एंड ट्राइंगल क्या है? जो ट्रैफिक सिग्नल रहती है, ट्रैफिक सिग्नल जो रास्ते में रहता है वो क्या रहता है? ट्राइंगल रहता है. सो वी राइट हियर ट्रैफिक साइन. ट्रैफिक साइन एंड ओवल टाइप में प्लेट रहता है. तो कुछ प्लेट में क्या होते हैं? सर्कल रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं? ओवल टाइप में जाती है अपनी प्लेट है ना. इसलिए है सर्कल सन. आप लोग सन देखते हैं ना, सूर्य, वो क्या रहता है? सर्कल रहता है. यहाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होता है ना? विंडो. जब अपने घरों में विंडो लग रहे थे वो रेक्टेंगल या स्क्वायर का रहते हैं. तो सो वी राइट हियर विंडो है ना. एंड हियर ट्रायंगल में क्या रहता है? रूफ. जो घरों की छत होती है, घरों की छत क्या होती है? ऐसे रहते हैं ट्रायंगल का रूप. इसलिए ट्रायंगल हो गया है ना. सो वी राइट हियर. नेक्स्ट है ओवल टाइप में क्या है? पोटैटो. आप लोग खाते हैं पोटैटो की क्या कहते हैं? सब्जी. सो पोटैटो कैसे रहता है? ट्रायंगुलर शेप का रहता है. ओके, सो वी शुड वी राइट हियर पोटैटो. नेक्स्ट है फोर बॉल, जिससे आप लोग खेलते हैं वो क्या रहता है? सर्कल रहता है. और स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या आपको मिल जाएगा? डाइस. डाइस से खेलते हो ना, तो डाइस लिख सकते हैं यहाँ पर. सो डाइस. नेक्स्ट है ट्रायंगुलर में क्या रहता है?
मम्मी आपकी पराठा बनाती है, पराठे भी ट्रायंगल बनाती है, तो ये भी क्या लिख सकते हैं आप लोग पराठा नेक्स्ट है ओवल में क्या हो सकता है ओवल टाइप में सब्जी वाला वाटर मिलन सो स्टूडेंट वी राइट हियर वाटर मिलन इसको आप लोग करिएगा हम लोग हमने इतना बता दिया है आप बाकी का करिएगा ओके 5 6 7 8 चार चार नाम आपको देना है कि कौन सी चीजें ट्रायंगुलर दिखती हैं और कौन सी चीजें रेक्टेंगुलर कौन सी चीजें ओवल साइज की दिख रही हैं और जैसे क्या हो गया सर्कल में होता है ट्रायंगल्स होता है मम्मी जो चूड़ियाँ पहनती है उनको होता है चपाती होता है तो आप ये सब नामों को लिखिएगा और ये इस तरह के क्या होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में हो जाता है क्या कहते हैं ब्रेड हो जाता है रूल हो जाते हैं दरवाजे तो ये सब चीजें टेबल हो जाता है तो ये सब आप लोग लिखिएगा है ना एंड ट्रायंगल लिख सकते हैं आप माउंटेन पर्वत जो होता है वो क्या होता है ट्रायंगुलर होता है और ओवल शेप में जो कुछ भी आपको मिले वो आप लोग लिख सकते हैं और दिक्कत ये आपको कॉपी में आप करिए और कॉपी के बाद हम सेंड करिए